मेरा राम 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 राम। और सभी से आशीर्वाद चाहूंगी आपकी बच्ची अगर कोई दो शब्द पूरे निकल जाए गलत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे बड़े पापा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। इस टाइम इस आंदोलन को खराब करने के लिए, सिस्टम को खराब करने के लिए युवाओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो जो सुने मेरे भाइयों को, सारे मेरे दोस्त हो, मेरे फ्रेंड हो, मेरे जितने भी फ्रेंड है, मेरी दोस्त है, मेरी बहने और मेरे जितने बड़े भाई भाई छोटे मेरे भाई भाई, इस जोश को अपने काबू में रखे क्योंकि दिशा और दशा दोनों ठीक होनी चाहिए। जोश हारा गया कामयाब हो गया, उसकी हमने जरूरत पड़ेगी, हमने आगे आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर यह आंदोलन बड़े बुजुर्गों के हाथ में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बुजुर्गों के बिना तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, चाहे वो ब्याह हो चाहे कोई भी बात हो। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि आपका जो जोश है वो काबू में रखें, ठीक। और दूसरी बात मैं बता दूं, मेरी ताई जी चाची जी आ रही, मेरा लाइसेंस है ये आ रही है, मेरा भाई आज दिख नहीं रहा, बड़ी दूर से आए हैं प्रवीण बदल जी, जा भी भैया मेरी आवाज सुन रहे हैं आ जाओ, और वो आए हुए हमारे यहाँ पे हमें समर्थन करने के लिए, बड़ी दूर से, उनका बड़ा धन्यवाद। इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए, दलाल खाप 84 खाप को समर्थन अपना देने के लिए आए हुए हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद उनका। और मैं एक बात बता दूं, मेरे पापा जी, इसकी आवाज कहाँ चली गई भैया, इतनी मेरी निकटती नहीं अभी, क्योंकि 20-25 दिन हो गए मेरे को बोलते बोलते निकट नहीं दी इतनी आवाज अभी। हेलो हेलो हेलो। और मैं आपको बता दूं एक बात कि देखिए मेरे पापा ने अभी बताया था, उसने बताया कि आंदोलन बिल्कुल पूरा हो गया कंप्लीट। ये तो बात हम कर रही है कि वो अपने पब्लिक से भी कब करने वाले हैं। आपको एक और बात मैं बता दूं, आप देखना हम भी शायराना अमल कर देते हैं कभी कभी, 15 तारीख के बाद 1 तारीख और मिलेगी आपको। कोई बात नहीं, अपने जोश को अपने जज्बे को काबू में रखना, अपनी मत मतारना, क्योंकि अंदर की जो बैठक थी वो पूरी हो गई है, आंदोलन आपका पूरा हो गया है, बस पब्लिक सिटी उन्होंने करनी बाकी है। तो तुमने ध्यान रखना है, तुम मौका ढूंढ रहे हैं कि इस आंदोलन को खराब करें, और जो उन्होंने अंदर से हाँ की हुई है उनकी बैठक में उसको वो नाम में तब्दील कर दे। तो इसलिए बिल्कुल मेन बात है युवाओं को कंट्रोल में रहना, अपने जोश को काबू में रखना है, किसी भी बात पर किसी भी मुद्दे पर बहकना नहीं। और मेरा एक अनुरोध है सभी से, जिस भी मेरे भाई को बोलना आता बहुत अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ सभी की आवाजें बुलंद हो, क्योंकि आंदोलन हर का है सच का है, ठीक। लेकिन अगर मेरे भाई मुझे माफ करना, जिसको भी मेरी बातें बुरी लगे, किसी को अगर कोई छाप से अगर गलत निकल गया तो ये गलत को सबसे पहले उठा लेंगे। अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो मत बोलिएगा, मैं भी इतनी बोलने वाली वाली हूँ, लेकिन दो शब्द मेरे किसी को अच्छे लगे मुझसे पूछा, इतना आशीर्वाद युवाओं का, इतना जोश, इतनी हिम्मत उनकी मिली, और मेरी मम्मी चाची ताइया की सबका समर्थन मिला, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने ये 2000 रुपए की भीख नहीं लेनी, बिल्कुल ध्यान रखना, ये 2000 रुपए में हमने भिखारी बनाने वाले, 15 लाख आए किसी के खाते में, पत्रकार वहां आने पूछ रहे थे 15-15 लाख रुपए दे दिए श्री, आए किसी के खाते में, मेरे तो नहीं आए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो भीख जो मेरी आने वाली नस्ल मेरे बच्चों को इन उद्योग का भिखारी बना दे, मुझे वो 15 लाख तो क्या मुझे 15 करोड़ भी नहीं चाहिए। लाख मारती हूँ मैं ऐसे 15 करोड़ को भी कि मेरी आने वाले बच्चे, मेरी आने वाली पीढ़ी इन उद्योगपतियों की गुलामी करे। पहले हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, अब हम उनके बन जावे। तैयारी में तो ये पूरे थे लेकिन फेल हो गया सिस्टम, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मुद्दा नहीं चल रहा, एक परिवार का मुद्दा चल रहा है, किसाना का मुद्दा चल रहा है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, मेरे पत्रकार महोदय से सभी से निवेदन है, बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, इस बात को सवाल करते हैं कि साइन बाग फलाना बाग को जो आंदोलन चल रहा है उसी से समक्ष सवाल करें, क्योंकि हो सकता है किसी की बातों से कुछ एक गलत मैसेज चला जाए। रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सहयोग करें, प्राइवेट मीडिया ना दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे से संबंधित सवाल करें, अलग इसको डायरेक्शन ना दें, क्योंकि आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप जितने ये बुजुर्ग मेरे हैं आंदोलन में बैठे हुए हैं, अगर ये आंदोलन में इसमें सहयोग करूंगी, अगर ये काले कानून बदले हुए मेरे लिए इस उम्र में सबसे खुशी की बड़ी बात। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने गांव की पहली इतनी कम उम्र की युवा, पहली कम उम्र की लड़की होंगी कि मैं इस आंदोलन में अपनी शहादत दूंगी, मेरे लिए तो खुशी की बात है। तो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं सभी से, स्पेशल फिर से मेरे भाई युवाओं से कि अपने जोश को काबू में रखें, जरूरत पड़ेगी दिशा और दशा आपको बुजुर्ग बताएंगे, वहां बहुत इस्तेमाल करना। आज वही मोदी सरकार बोल रही है कि ये फौजी भी आतंकवादी हो गए हैं, क्योंकि वो आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं, समर्थन वो आंदोलन को दे रहे हैं। ये वही फौजी है जिन्होंने देश बचाया था, तब ने वहां जाकर तोप
पहले चलाई थी ना नहीं चलाई थी, अब तुम इन्हें आतंकवादी बता रहे हो। हमारे देश में गलत मैसेज जा रहा है, बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि देखो जिनको इतनी शहादत है इतनी शिद्दत से यहाँ के किसानों ने और युवाओं ने हर हर मोदी घर घर मोदी करके बिठाया सम्मानित पद पे। आज वही लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी है, हम भी यही देश है। बाहर सुना आ रहे हैं जिला बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश का आर्यन में तब बता रहे हैं खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। ठीक ठीक, जो मेरे भाई समर्थन कर रहे हैं उनका बड़ा बार बार धन्यवाद कर दूं, जो समर्थन नहीं कर रहे हैं इस आंदोलन का उनका बड़ा ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि हम भी उनके रूबरू होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, उम्र का मैं कहा बताओ ना बताओ इतने इनके बारे में पूछ भी चाहते हैं उनसे कि इनमें तुम्हें कहा खासियत लग रही है। सब कह रहे हैं वो यहाँ समर्थन कर रहे हैं, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, वो बॉर्डर पे बैठे हैं, कौन से बॉर्डर पर बैठे, पाकिस्तान वाले पर, बांग्लादेश पे, या चलते चलते वे जापान पहुंच गए। हमें भी यही हो गए 25-30 महीने मरते 25-30 दिन हो गए, हमें तो नहीं मिल रहे ना। पत्रकार महोदय ज्यादा मिलते बाहर मारी गई है मेरी, मैंने ऐसे सुनो जितने भी मेरे पत्रकार भाई खड़े हैं, यू बात भी मेरी पहुंचाना वहां तक कि मैं उनसे मिलना चाहूं जया दिल के समर्थन में बैठे हैं। अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि प्रवक्ता बहुत सारे मेरे बड़े भाई मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बस यही कहना चाहूंगी किसान